हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेशियल शेयर करने वाली हूँ। ये फेशियल हनी फेशियल है और ये फेशियल के 3 स्टेप्स हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स। यस, ये और बहुत ही अच्छा फेशियल होगा आपके फेस के लिए और 3 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये फेशियल। वैसे मैं कोई और फेशियल करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए ये वाला फेशियल मैं जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मतलब वापस जा रही हूँ अपने घर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये फेशियल भी शेयर कर लेती हूँ और मुझे 3 दिनों बाद अच्छे 3 दिनों के बाद ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस फेशियल का। और ये फेशियल बहुत ही सिंपल है, इजी वे में है। और अगर आपके पास कोई भी चीज़, मतलब आपके पास कोई भी फेशियल किट नहीं है, तो ये फेशियल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए कि मेरे फेस पर अभी अप्लाई मैंने कुछ भी नहीं किया है। दैट्स इट, मैंने सिर्फ अपना फेस को वॉश किया है और कुछ भी मैंने अपने फेस पर नहीं लगाया हुआ है। एक्चुअली मैंने सिर्फ लिप बाम ही लगाया है और कुछ भी नहीं मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पर। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये फेशियल और अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फेशियल करने के चक्कर में ही मैंने अपने बालों को टाई अप किया है। और मैं क्या कह रही हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास और आप उसको भी देख पाएंगे और आप यूज़ भी कर पाएंगे। और शेयर भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जब अच्छे से आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो दूसरे को भी थोड़ा सा यूज़ करने का मौका मिले, मतलब अगर नहीं जानते हैं वो तो वो भी ये सारी चीज़ों को जान पाए। तो चलिए इस फेशियल को स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्क्रब, तो चलिए देख लेते हैं स्क्रब कैसे करना है, मतलब और बनाना कैसे है। बहुत ही सिंपल वे है, आपको सारी चीज़ें घर पर ही अवेलेबल हो जाएंगी, आप घर पर ही किचन में ही अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको मिल जाती हैं ये सारी ही चीज़ें। तो बहुत ही सिंपल है ये फेशियल, मैं बता चुकी हूँ पहले, बार बार नहीं बोलूँगी और मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बोलूँगी और जल्दी जल्दी करने की भी कोशिश करूँगी। ज़्यादा लंबा है लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। फ्रेंड्स चलिए तो फटाफट से बना लेते हैं इसका स्क्रब। हनी फेशियल स्क्रब के लिए हमें चाहिए ये थोड़ा सा, मैंने हनी लिया है। और अगर आप, मैं वैसे इसमें मसूर दाल यूज़ कर रही हूँ स्क्रबिंग के लिए, अगर आप चाहें तो इसमें आप लेमन जूस, आप शुगर भी ऐड कर सकते हो या फिर आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो, आप जो चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। बट मैं मसूर की दाल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं हैं, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ स्क्रबिंग वगैरह, क्योंकि अच्छा नहीं होता है ज़्यादा स्क्रबिंग करनी भी। और ये स्क्रब बहुत ही अच्छा बनेगा और इसमें थोड़ा सा मैं लेमन डालूँगी, लेमन डालने में बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए। मैं लेमन डाल रही हूँ, हाफ लेमन डालूँगी मैं। आप लेमन स्क्वीज कर ले रही हूँ, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैं स्क्रब कर लूँगी। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करना है आपको, अच्छे से मिक्स करके ही आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर और 2 से 3 मिनट्स के लिए मसाज करनी है, स्क्रबिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने स्क्रब कैसे बनाया है और मैं अब इसको अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर से अपने फेस को वेट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं स्क्रबिंग करूँगी अपने फेस पर। मैं जब भी कोई स्क्रब करती हूँ तो अपने फेस को ज़रूर वेट करती हूँ, ड्राई फेस पर मैं कभी भी अप्लाई नहीं करती हूँ। तो मैंने ज़्यादा थिक नहीं बनाया है, इस टाइप का ही बनाया है और मुझे ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरे फेस में इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह नहीं हैं, तो मैं सिर्फ ऐसे ही हल्की सी मसाज कर लूँगी।
मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप स्पेशल स्क्रब में आप रोज़ वाटर ऐड कीजिए, आप लेमन नहीं यूज़ करेंगे। और अगर स्क्रबिंग के लिए आपको दाल नहीं यूज़ करनी है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो, वाइट शुगर या ब्राउन शुगर। इसको 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं स्क्रब करना है। तो मैं स्क्रब कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रब कर लिया है और मैं थोड़ा सा इसको फेस को मैंने वॉश भी कर लिया है और वेट करने जा रही हूँ मैं रोज़ वाटर के साथ फिर से। और आप मेरे फेस को देख ही रहे होंगे कि मेरा फेस कितना अच्छा मतलब दिख रहा है अभी। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा मतलब जो डेड स्किन है उसको एक्सफोलिएट करने के लिए। ये तो स्क्रबिंग थी जो मैं मुझे सिर्फ नोज़ के आसपास और चिन एरिया पर, जो इधर लिप्स के नीचे जो चिन एरिया होता है वहाँ पर किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं और नोज़ के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, उनको निकालने के लिए था। तो अब मैं फेस को एकदम क्लीन करने के लिए अपने तो थोड़ा सा इसका एक लोशन बनाने वाली हूँ, मतलब एक पैक जैसा बना रही हूँ क्लीन करने के लिए। तो क्लींजर आप देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है ये क्लींजर। फेस को क्लीन करने के लिए ले रही हूँ एक एम्पटी बाउल है ये, और मैं इसमें ऐड करूँगी चिक्की फ्लावर, बेसन मतलब चने का आटा है ये, तो इतना ही मैं ऐड कर ले रही हूँ। और अगर थोड़ा भी आपको कम लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। और मैं लूँगी इसमें हनी, क्योंकि हनी फेशियल है तो मैं हनी हर एक क्लीन के लिए हो, स्क्रबिंग के लिए हो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हो तो मैं हनी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। और मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, ये डाबर का रोज़ वाटर है, आपको कोई भी रोज़ वाटर, बस इसको इतना थिक बनाना है कि आपके फेस पर ये अप्लाई हो जाए। और 4 से 5 मिनट्स के लिए आप इसको मिक्स कर लीजिए इसको और फिर अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्लींजर लगा रही हूँ, ये मैंने जो बनाया है आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने ये कैसे बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। जो भी मैंने इसमें अप्लाई किया है, डाला हुआ है, तो वो आपको आराम से अपने घर पर मिल ही जाएगा आपके घर पर। तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए पूरे फेस पर। और 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही आप इसको ऐसे करते रहिए, तो आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी। बस 5 मिनट्स करना है, मतलब जो भी करना है आपको, मसाज करनी है हल्के हैंड से की करनी है, और आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह से मसाज करना। और आपकी स्किन पे अगर थोड़े भी दाग धब्बे हैं तो वो भी इससे रिड्यूस होने लगते हैं अब फेशियल करते हैं तो। और अगर कुछ भी कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा बना ली है तो अपने हैंड्स को भी कवर करना ना छोड़े, मतलब ज़रूर अच्छे से अपने हैंड पर भी इस तरह से मसाज कर सकते हो। और ये आपको 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है, तो पहले आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप हैंड्स पर अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो लगा सकते हैं, अपने हैंड पर भी लगा सकते हो, अपने नेक पर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
मिलती हूँ आपसे 5 मिनट्स बाद। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ बनाने मसाजिंग क्रीम। और मसाज क्रीम बनाने के लिए मुझे चाहिए, मैं हनी फेशियल कर रही हूँ तो मैं ले रही हूँ इसमें 1/2 स्पून हनी, और ले रही हूँ आप बादाम ऑयल ले सकते हो, मतलब आलमंड ऑयल ले सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं, इवियन का कैप्सूल जो आता है ग्रीन कलर का आप वो ले सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, बस इतना ही लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें लेमन का जूस डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ा ही डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो, बस इतना ही डालूँगी मैं। और मैं इसमें एलोवेरा की जगह मैं डाल रही हूँ, एलोवेरा जेल की जगह मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये डाबर का रोज़ वाटर है, बस इतना ही लूँगी। और इसको अच्छे से मिक्सअप करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी 5 से 10 मिनट्स के लिए, मसाज करूँगी बहुत ही अच्छे से। तो देख लीजिए आप लोग कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने मसाज जेल मतलब क्रीम वगैरह कैसे बनाई है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें मैंने रोज़ वाटर और इसमें मैंने लेमन जूस में ऐड किया है। तो पहले आप इसको फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट्स के लिए। आपको अच्छे से मसाज करनी है इस क्रीम से या जेल, बोल लीजिए आप जो बोलना चाहें आपको, मतलब ऐसे इस तरह से मसाज करनी है आईज को, ये जो आईब्रोज होती हैं उनको इस तरह से ऊपर की साइड लेकर जाना है, और ये भी ऐसे करना है। तो आप जब इस तरह से करते हैं ना तो आपका जो स्किन है ये लूज नहीं होगा, और आपकी जितनी भी अगर शुरू हो रही है फाइन लाइंस वगैरह वो नहीं होंगी। तो आप इस तरह से मसाज कीजिए, आप इस तरह से मसाज कीजिए 2 मिनट्स के लिए, आप मसाज करते रहिए इसी तरह से। आप नेक को भी कवर कीजिए, नेक को भी बहुत ज़रूरी है मसाज करना। सारे स्टेप आपको बता दे रही हूँ, उस तरह से आप कर लीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है आपको, आपकी स्किन पे ऐसे नहीं चल रहे हैं हाथ, तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड कर दीजिए। आप आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड मत कीजिए, बस रोज़ वाटर ऐड कीजिए। और ऑयल कोई भी जो मैंने बताया है आपको, कोई भी ले सकते हो आप, अपने ऊपर है, आपके ऊपर है वो। मसाज करते रहिए, करते रहिए 10 मिनट्स के लिए, आपको ऐसे ही मसाज करनी है। और ये फेशियल बहुत ही अच्छा है अगर आपकी स्किन में मतलब लूज होने शुरू हो गई है, अगर फाइन लाइंस आ रही हैं, आपके दाग धब्बे हैं, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि मेरी स्किन कितनी शाइनी रहती है। अगर थोड़ा भी ऑयल लगता है या फिर वाटर लगता है तो आप मेरी स्किन का ग्लो आप देख सकते हो। यहाँ पर रिंकल्स आने लगते हैं, ये आपकी लूज होने लगता है एरिया, तो यहाँ पर आप इस तरह से कीजिए जैसे, ये बिल्कुल ऑयल है और जो हनी है वो आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, इस तरह से आपको करना है।
करती हूँ आप लोग ये जितने फेशियल हैं वो आप नाइट में कीजिए और अच्छे से मसाज करके और फेस पैक वगैरह लगा के वॉश करके अच्छे से सो जाइए, तो सुबह तक आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्लम्प रहेगी, ग्लो भी करेगी और हाइड्रेट भी रहेगी। और जितने भी जो भी आपने स्टेप्स किए हैं वो आपकी स्किन पर जो भी चीज़ें आपने अप्लाई की हैं वो सारी अच्छे से काम करना शुरू करेंगी, वर्क करेंगी। और अगर ये ऐसे ही रहता है तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए और ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आपकी स्किन इस तरह से आप आइस को ऊपर करके ऐसे मसाज कीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से करनी है, इससे रिंग फिंगर से ही करना है आपको। यहाँ पर किसी को ज़्यादा रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो भी मसाज जेल कह लीजिए, क्रीम कह लीजिए, वो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे ही मैं 5 से 10 मिनट्स के लिए करूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने मसाज करके उस पैक को ही, जो मैंने मसाज जेल यूज़ किया था या क्रीम यूज़ की थी उसी को ही मैंने पैक बना दिया था, और मैंने 10 मिनट्स के लिए और छोड़ दिया उसको मसाज करने के बाद ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन, अभी मैंने वॉश किया है अपने फेस को, और आप देख लीजिए मेरा फेस कितना मतलब शाइनी दिख रहा है। और 3 दिनों बाद इसका रिज़ल्ट और बेहतर होगा और अच्छा होगा, तो आप देख सकते हो। और आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप इस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके ऐसे ही सूखने दीजिए, पहले ऐसे ही ड्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद आप इस पर रोज़ वाटर ऐड करिए और फेस पर, और ऐसे ही रहने दीजिए रात भर के लिए। और सुबह आप इसको वॉश कर सकते हो सिर्फ नॉर्मल वाटर से, क्योंकि आपके फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्लीन है एकदम फेस। तो रोज़ वाटर के बाद आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, कोई भी लोशन नहीं लगाना है, कोई भी नीम, किसी भी क्रीम को लगाने की नीड नहीं रहेगी आपके फेस पर, और आपका फेस एकदम ग्लो एंड शाइनी रहेगा। तो देखिए मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है, और मैं अब थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, और ये है डाबर का रोज़ वाटर। मैं थोड़ा सा आइस में भी डाल लेती हूँ इसको, जब भी मैं कोई फेशियल वगैरह करती हूँ तो मैं आइस में भी अप्लाई कर लेती हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब मैं नाइट में ऐसे ही रहने दूँगी और सुबह आपको दिखाती हूँ मैं, मतलब आप देख लीजिएगा जब मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊँगी तब कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है आपको। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने ये फेशियल बहुत ही इजी वे में किया है और आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप उसको भी इंजॉय कीजिए, आप उसको भी ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, और मैं न्यू और भी कुछ ये फेशियल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे हाइड्रेशन चाहिए था अपने फेस के लिए। एक्चुअली एसी में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन चला जाता है, और मतलब ग्लो भी चला जाता है और ड्राई ड्राई सी स्किन हो जाती है एसी में रहने पर। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अच्छे से हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को, इस वजह से तो मैंने हाइड्रेशन के लिए अपने फेस पर ये वाला फेशियल किया है, नहीं तो मैं कुछ और करने वाली थी। तो मैंने सोचा अगर मैं कर ही रही हूँ हनी फेशियल तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो मैंने कर लिया है फेशियल शेयर आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।